लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी में बड़े नामों का जुड़ना जारी है। इस क्रम में पूर्व एयरफोर्स चीफ आरकेएस भदौरिया ने बीजेपी का दामन थाम लिया। भदौरिया बीजेपी हेडक्वार्टर में पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर की मौजूदगी में बीजेपी में शामिल हुए। पूर्व एयरफोर्स चीफ भदौरिया का स्वागत करते हुए राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े ने कहा कि आरकेएस भदौरिया ने एयरफोर्स में रहते हुए 4,315 घंटे की फ्लाइंग की है। इनकी खासियत यह है कि आत्मनिर्भर भारत का अभियान जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से चलाया गया है उसमें इनकी सक्रियता रही। वहीं केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि देश को सुरक्षित बनाने के लिए आरकेएस भदौरिया जैसे लोगों ने लंबे वक्त तक सेवाएं दी हैं। वन रैंक वन पेंशन की मांग को पहले ही सरकारों ने पूरा नहीं किया। मोदी ने 2014 में इसका वादा किया और वन रैंक वन पेंशन की मांग को भी पूरा किया। मैं बहुत भाग्यशाली रहा हूं कि अपनी जिंदगी के 40 साल से ऊपर समय भारतीय वायुसेना में देश के लिए काम कर पाया। ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा ऑनर था, प्रिविलेज थी। और इस दौरान आई थिंक सबसे ज्यादा स्वर्णिम समय वो रहा है जो कि पिछले मेरी सर्विस के अंत में 8-10 साल में जो इस गवर्नमेंट के पार्टी के नेतृत्व में जो कार्य और कठोर कदम उठाए गए भारतीय सेनाओं को सशक्त करने के लिए, आत्मनिर्भर करने के लिए, आधुनिकीकरण के लिए जो कदम उठाए गए उससे हमारी सेनाओं में एक नया कैपेबिलिटी तो आई है बट एक नया आत्मविश्वास और आत्मनिर्भर बनने का जो एक क्रम शुरू हुआ है जो अब जमीनी धरातल पे ऑलरेडी उसके रिजल्ट्स दिखने शुरू हो गए हैं उससे आने वाले समय में हमारी सारी कैपेबिलिटीज में बहुत बड़ी इंडिजिनस कैपेबिलिटी आएगी और इसके परिणाम सुरक्षा की दृष्टि से आने वाले समय में हमारे लिए बहुत जरूरी होंगे और विश्व स्तर पे भारत को बहुत ऊंचा अगर चलना है तो सुरक्षा की दृष्टि से जो अब कदम उठाए जा रहे हैं वो हमारी उस दूरदर्शिता की नींव रखेंगे।